वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। यहाँ पर मैं किचन में हूँ। दोपहर का टाइम हो गया, नमाज वमाज पढ़ लिया, बच्चे भी आने वाले हैं स्कूल से, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी पराठे बना लें। पराठे मैं किस चीज़ के बना रही हूँ? गोभी के पराठे। गोभी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। किधर गई मेरी गोभी? आपको मैं अभी दिखाती हूँ। इसमें मैंने मसाले शसाले डाल दिए सारा कुछ। तो वैसे तो बच्चे गोभी खाते नहीं हैं, और गोभी शौक से नहीं खाते। तो हस्बैंड साहब ने कहा कि पराठे बना लो जल्दी जल्दी, तो चलो ठीक है अब पराठे बनाते हैं। तो उस दौरान तो मैं आपको नहीं मिलूंगी पराठे बनाते हैं, बस जब पक जाएंगे सारे तो फिर बताऊंगी। और मैंने गोभी में कुछ मसाले सारे डाले हैं, वो आपको दिखाती हूँ। तो जी जनाब, यहाँ पर मैंने ये कुछ स्पाइसेस वगैरह डाल दिए हैं, कुछ निकाल दी थी एक्स्ट्रा जो मुझे चाहिए होगी तो मैं इसमें डाल लूँगी। अब इसको मैं ज़रा क्या करते हैं मिद देती हूँ, फे देती हूँ, यानी कि इसको सबको मैं मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए चार्जिंग है। तुमसे मतलब स्कूल से आ गए हैं, और दोपहर को मैंने कहा था कि क्या बनाना है, गोभी वाले पिरोठे, और ये बन रहे माशाल्लाह जबरदस्त। शुक्रिया। बच्चे आ गए हैं, क्योंकि इस टाइम गोभी ख़त्म नहीं होती, पड़ी जाती है। अब ये रह गई है बस गोभी ना, इसको फिर फेंकने लगे, वरना इससे 3 गुना ज़्यादा गोभी पड़ी होती है। हर बंदा गोभी जब आती है ना ऐसे करती है। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। सब्जी आए है, गर्मी में पराठों का मजा, गोभी वाले पराठे आधा करो, आधा करके सो दो ना। किसको? सुलेमान को। ये देखें आप, इसकी फीलिंग देख सकते हैं। ये सुलेमान को दे देते हैं आधी रोटी देसी घी के साथ, अरे गरम, और लग रहा है घर का बनाया हुआ देसी घी। सुलेमान उसकी भी रोटी है। आपको बताओ सुलेमान मर गया। यार मुझे खा रहा ना, केचप डालो, जैसे अंदर आके लड़ा था उस टाइम। ये लो, गजब बेइज्जती। चैलेंज आज बहुत ही कुछ स्पेशल है। क्या स्पेशल है क्या पता नहीं, उसके लिए आ गया है जो भी है, चिकन और दही डिनेशन है, इसको मैरिनेट करके रखते हैं अभी। और यहाँ पे ये जी क्या स्पेशल है? ये स्पेशल है जी, अभी कपड़े पहने तो बिल्कुल पहले घुस जाओ अंदर। वाह क्या सीन है। तो क्या हुआ, पहने हुए सब कुछ पहना हुआ, ये देखें बताएं। सपोर्ट तो करो नहीं, बता तो दिया मैंने इनको। आज है सैटरडे का दिन, 4 मई ठीक है ना, और आज है सिस्टर की बर्थडे ठीक है ना, तो चलते हैं उस कुछ खाने पीने के लिए, रात को कुछ डिनर के लिए कुछ लेके आते हैं। सुबह पहले क्या ब्लॉग शुरू किया? हाँ बता। अच्छा। दिया था, और अब ये देखें गिफ्ट, पहले भी आपको दिखाया था, गिफ्ट रेडी कर लिया है, ये लिख दिया है, और नीचे चॉकलेट लगा दी है। कैसा डिजाइन, कैसा वाओ ब्यूटीफुल, चॉकलेट लगा दिए, ये गिफ्ट हो गया। ये वो बताए हम कहाँ से लाए थे, सोमालिया से लाए थे। और अब इसको रखते हैं, इसके कमरे में रख देंगे, जब वो आएगी तो इसको ओपन करेगी तो देखेगी। चलो ठीक हो गया, जा कहाँ रखेंगे। उसकी चीज़ों पे रखें ना, जो उसकी वो जो चीज़ें वहाँ जहाँ पर्स वर्स रखती है, वहाँ रखें। यहाँ पे
ठीक है इधर क्यों रखनी जब केक काटेंगे तब लाना। चलें यहाँ पर मैं अब चिकन को मैरिनेट करने लगी हूँ। दही, नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, काली मिर्च और इसमें अभी और लवाजमा डालूँगी। देर तक मशीन को ऑन कर दूँ, मशीन भी चलती रहेगी, कपड़ा भी धुलते रहेंगे। और यहाँ पे एक बच्चा किधर गया, नहा धोकर तैयार हो गया है गोरा। एक जो बच्चा मैंने आपको कहा था कि उसने नहा धो लिया है, अब नहा के वो फिर कपड़े मुद्दे तो नहीं क्या कर रहा है ठीक कर रहा है, रेंच उठाया हुआ है ना, बस हो गया, बस इसको टाइट करना, टाइट करना। पढ़ लिया तुमने क्लाइमेट का सारा काम, कर लिया रिटर्न? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कर लिया हो। नहीं, मैंने याद किया। जल्दी जाओ, ये काम खत्म करो और अपना पढ़ने वाला काम करो, ठीक है? यहाँ पर मैंने मैरिनेट करके रखा था चिकन सुबह को, ये मैंने पकने के लिए रख दिया था। इसमें पक रहा है और मज़े से ये पक रहा है किचन में चिकन। वाओ, मैं पानी दही में जो है वो छोड़ दिया, तो मुझे लगता है चिकन भी जो है वो गल गया। अब मैं इसका पानी जो है वो खुश कर लेती हूँ और कुछ हरा धनिया और ग्रीन मिर्चें ग्रीन इसमें डाल दूँगी और रोटी के साथ हम ये लोग खाएँगे, हम लोग खाएँगे। आओ तो।